अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करना एक अपना काम होना चाहिए। हम जब एक गोल अचीव करना चाहते हैं तो उसमें स्टेप्स होते हैं, 10 स्टेप्स हो सकते हैं या 100 स्टेप्स हो सकते हैं। हमें वो स्टेप्स पता चल जाती हैं कि हम अचीव करने वाले हैं, और टाइम ड्यूरेशन भी हमें कुछ वक्त के एक्सपीरियंस के बाद में पता चल जाता है। उसे ट्रैक करना, उसका रिकॉर्ड रखना और एक गैप के बाद ही उसको रिकॉर्ड करना प्रोग्रेस को, ये सारे पॉइंट्स उसमें ज़रूरी है। एग्जांपल लेता हूँ मैं, आप लॉन्ग डिस्टेंस रनर हो, आप 1 किलोमीटर की रेस में दौड़ते हो, तो 1 किलोमीटर की रेस आप कितने वक्त में तय करते हो ये आप स्टार्ट में आप रिकॉर्ड कर लो उसको। अब आप 1 मंथ का गैप आप रखते हो, हर बार आपका रिकॉर्ड, आपका प्रोग्रेस रिकॉर्ड करने के लिए एवरी एंड ऑफ मंथ आप देखते हो कितना टाइम कम लगा है मुझे 1 किलोमीटर कंप्लीट करने में। इस तरह से आप पूरे ईयर का एक ट्रैक रिकॉर्ड रखते हो। ऐसा रखने से हमें पता रहता है कि क्या एलिमेंट ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से हमें फ़ायदा होता है या हमें नुकसान होता है, और इस तरह से प्रोग्रेस करना एक तरह से हमारे कंट्रोल में रहता है। सो आई होप ये लेसन आपके काम आएगा। आप इसे आप दूसरे भी कोई आपके गोल या टास्क में यूज़ कर सकते हो। ये रनिंग का, लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग का ये सिर्फ एग्जांपल था। ऐसे ही इंपॉर्टेंट करियर और लाइफ लेसन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो लाइक।